Ignited Minds Tutorials is excited to announce the release of a comprehensive video series on forest and wildlife resources. Specifically designed for CBSE Class X students, this collection of educational videos aims to provide students with a deep understanding of the importance of forests and wildlife in our ecosystem. The series begins by introducing the concept of forest resources and their significance. Students will learn about the various types of forests, including tropical, temperate, and deciduous forests. Along with their characteristics and distribution patterns, the tutorials also delve into the abundant benefits forests offer to humans, such as timber, medicinal plants, and climate regulation. Moving forward, the videos explore the concept of wildlife resources, enlightening students about the diversity and richness. Found in different ecosystems, students will gain insights into the factors leading to the depletion of wildlife, including poaching, overexploitation, and habitat loss. Additionally, the tutorials shed light on the conservation measures undertaken to protect endangered species and conserve biodiversity. Ignited Minds Tutorials has crafted these videos with a knowledge explanation approach, ensuring that students comprehend these critical topics effectively with visually engaging content and simplified explanations. The series aims to ignite the minds of Class X students and foster a sense of responsibility towards preserving our forests and wildlife resources. It is our fervent hope that this series will empower students to become custodians of our natural resources and inspire them to actively participate in the conservation of forests and wildlife. Together, we can strive towards a sustainable future, preserving the treasures nature has bestowed upon us. ओके सो बच्चा पार्टी वैनिशिंग फॉरेस्ट कल अपन कर रहे थे. देखो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में तो वैनिशिंग फॉरेस्ट मतलब क्या है. नोट हाँ मिल जाए, देखेंगे देखेंगे, टेंशन मत ले. ओके वैनिशिंग फॉरेस्ट, हमारे डिफॉरेस्टेशन के चक्कर में काफी सारे फॉरेस्ट जो है तो वैनिश हो रहे हैं. डिफॉरेस्टेशन के रीजन क्या क्या है, वॉट इज नहीं रीजन क्या क्या है. पेड़ काटना तो समझ में आया लेकिन रीजन क्या क्या है. बिल्डिंग बनाने के लिए, रेजिडेंशियल के लिए, फिर और क्या हो सकता है, रोड्स बनाने के लिए, रेलवेज बनाने के लिए, व्हाट एल्स, हाँ फैक्ट्रीज वगैरह, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए, और व्हाट एल्स कुड बी द रीजन. माइनिंग भी एक रीजन है, ठीक है, माइनिंग के लिए. तो इसके इस और क्या हो सकता है रीजन. बहुत प्राइमरी रीजन क्या है, नहीं 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 स्कूल कहाँ, स्कूल हमारे इंडिया में होता तो भाई हम बहुत पहले आगे बढ़ के होते. हाँ बोलिए और क्या रीजन हो सकता है. हाँ आप लोग एग्रीकल्चर क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्या एग्रीकल्चर देखो कितने बड़े बड़े लैंड्स में होता है, वो भी तो डिफॉरेस्टेशन से ही हुआ रहेगा ना. आपकी फूड की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है क्योंकि आपका पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है. अभी इस फूड के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम जनरली डिफॉरेस्टेशन करते हैं, ठीक है. ओके सो दीज आर द प्राइमरी रीजन, वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज डेफिनेटली एग्रीकल्चर, ठीक है. एग्रीकल्चर के चलते आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. इंडिया इज ओनली 19.39 ऑफ इट्स टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट, विच इज अ वेरी लो नंबर. डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया इज टेकिंग प्लेस ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, बहुत बड़े पैमाने पे आपका डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है. कुछ सालों पहले आरे कॉलोनी को कट डाउन करने की प्रपोजल रखी गई थी, काफी सारा प्रोटेस्ट हुआ, ठीक है. लोग रातों रात जाकर आरे कॉलोनी में जमा हो गए, नहीं पेड़ नहीं कटने देंगे. लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता है, जस्ट बिकॉज पीपल इन यू नो एक शहरी इलाके में पीपल आर अवेयर ऑफ वॉट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन वुड बी, सो माइट बी दैट दे वर रेडी टू होल्ड इट. बट ये गाँव इलाकों में नहीं होगा, वहाँ पे कोई काटना है काटो, हम तो क्या है, ठीक है. सो इस तरह से काफ़ी सारा लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री इज एस्टिमेटेड टू बी 637,293 स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है. इन इंडिया वी हैव डेंस फॉरेस्ट जिसका भाई साहब कितना है 11.48%. डेंस फॉरेस्ट इज टू अ ट्यून ऑफ 11.48% अप्रॉक्सीमेटली 12, मतलब यहाँ पे बहुत घना जंगल है, ठीक है, बहुत ही घना जंगल है, बहुत ज्यादा ट्रीज है. अ डेंस फॉरेस्ट इज व्हाट बच्चा बाड़ी, अ डेंस फॉरेस्ट इज अ फॉरेस्ट थिक विथ ट्रीज और हैविंग ट्रीज ग्रोइंग वेरी क्लोजली टुगेदर. तो आप देखोगे ये ट्रीज जो है बहुत क्लोजली ग्रोन टुगेदर है, यहाँ पे ये 11.48% है, ठीक है. सो वेरी क्लोजली दे आर. ओपन फॉरेस्ट इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट 7.76%, मतलब यहाँ पे आप चल फिर सकते हैं, ठीक है. ट्रीज के बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस है एंड यू कैन अफोर्ड टू वॉक एंड यू नो कंफर्टेबली आप यहाँ पे चल फिर सकते हैं. ओपन फॉरेस्ट आर मिक्सचर्स ऑफ क्या क्या है भाई साहब, ट्रीज हैं,
श्रब्स हैं और ग्रासेस हैं. ओपन फॉरेस्ट आर अ मिक्सचर्स ऑफ ऑल दीज थ्री. ठीक है. इन विच अनलाइक क्लोज फॉरेस्ट द ट्री कैनोपॉइज डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूस क्लोज कवर. ठीक है. कैनोपॉय मतलब क्या होता है, देखो ऐसा ट्री है और यहाँ पे भाई साहब एक कवर, यहाँ पे एक और ट्री, यहाँ पे एक और कवर, यहाँ पे एक और ट्री, यहाँ पे मतलब भाई साहब नीचे में ना आप देखेंगे कि सनलाइट पहुंचता ही नहीं होगा, एक पूरा इतना बड़ा छतरी बन गया है. इसको अपन बोलते हैं कैनोपॉय. एक के बाद एक ट्रीज होंगी, तो यहाँ पे जैसे धूप पहुंच रही है आपको दिख रही है, ऐसे बहुत सारे एरियाज होंगे जहां पे धूप पहुंचती नहीं है, हमेशा डैम्प रहेगा वहां पे. देयर विल ऑलवेज बी अ डैम्प एरिया. ठीक है. वो सूखेगा ही नहीं क्योंकि धूप ही नहीं पहुंचेगी. ठीक है. तो क्लोज्ड फॉरेस्ट में आपके ट्री कैनोपॉयज फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ विच जनरली द सर्फेसिस बिलो आर वेट. ठीक है. वेट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज्यादा होंगे. ठीक है. ओके. अनलाइक क्लोज फॉरेस्ट द ट्री कैनोपॉयज डू नॉट फॉर्म अ कंटिन्यूस मैनग्रोव्स. जो हमारे खाड़ी एरिया है, आपका पूरा नवी मुंबई जो है मैनग्रोव्स को काट कर बनाए यही सकते हैं. ठीक है. आप जहां पे रह रहे हैं बहुत सालों पहले वहां पे मैनग्रोव्स हुआ करते थे जिनको काट दिया गया है. खैर अभी तो मैनग्रोव्स काटने पे पाबंदियां लग गई हैं. ठीक है. यू कैन नॉट कट मैनग्रोव्स. ठीक है. सो मैनग्रोव्स जो है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैनग्रोव्स. जनरली ये कोस्टल एरियाज में होते हैं. तो दरवाजा थोड़ा सा बंद करके रखो ना, ऐसा मतलब देखो. जनरली ये कोस्टल एरियाज में होते हैं जहां पे लैंड और वाटर कंटिन्यूसली इंटरैक्ट कर रहे हैं. अभी सी वेव्स जो आते हैं हाई टाइड में वो लैंड को कट करते ही रहते हैं. इफ वी प्लांट मैनग्रोव्स दे बेसिकली गो डीप इनसाइड द सॉइल एंड दे होल्ड द सॉइल टुगेदर. अगर अपन मैनग्रोव्स काट देंगे तो कल को हमारे को रहने को जगह नहीं होगी. ठीक है. बिकॉज हाई टाइड और लो टाइड ये कंटिन्यूसली होता ही रहेगा एंड मैनग्रोव्स होल्ड द सॉइल वेरी स्ट्रांगली. ठीक है. सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट मैनग्रोव्स कवर मस्ट बी मेंटेन्ड. मैनग्रोव्स आपका सिर्फ 0.145% है. द टाइप ऑफ फॉरेस्ट थ्राइव्स ऑन कोस्टल स्वैम्प्स. खाड़ी एरियाज में ये होता है. अ स्वैम्प इज अ वेट लैंड दैट इज फॉरेस्टेड. ठीक है. ओके. अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट दैट इज 1999 द डेंस फॉरेस्ट कवर हैज इंक्रीज्ड. ठीक है. सिंस 1997 तो थोड़ा बहुत आपका डेंस फॉरेस्ट कवर थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ यू नो हमने थोड़ा सा रोक टोक लगाया है और हमने सिटी के डेवलपमेंट में भी थोड़ा सा प्लानिंग लाया है. जैसे मुंबई एज अ सिटी अगर आप देखोगे फैला हुआ नहीं है, वो कंडेंस्ड है और मतलब आपको एक के ऊपर एक घर दिखेंगे. ठीक है. ऐसे जगह जहाँ पे एक के ऊपर एक घर नहीं है और सब अपने अपने इंडिविजुअल बंगलोज में रहते हैं वहाँ पे लैंड कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है और वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा. बट इफ़ वी हैपन टू लिव इन फ्लैट्स वन अबव द अदर, ठीक है, इन दैट केस वी विल अवॉइड द फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन का हम अवॉइड कर सकते हैं. तो प्लांट सिटीज आ चुकी हैं अभी. ठीक है. दिस एपरेंट इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इज ड्यू टू प्लांटेशन बाय डिफरेंट एजेंसीज. अलग अलग एजेंसीज ऐसे प्लांटेशंस कर रहे हैं फॉरेस्ट कवर में. ठीक है. टी प्लांटेशन, ठीक है, कोकोनट प्लांटेशन, ऐसे अगर वैसे ये भी तो एक टाइप का फॉरेस्ट एरिया ही हो गया कोकोनट प्लांटेशन. दिस एपरेंट इंक्रीज इज ड्यू टू डिफरेंट एजेंसीज. द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन. तो आपका जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है वो ये देखिए, जैसे अगर कोकोनट ट्रीज हैं इनको एक पर्पस के लिए लगाया गया है. किसके लिए? कोकोनट के लिए. कोकोनट फाइबर मिलता है हमको, कोकोनट से हमको ऑब्वियसली कोकोनट वाटर तो मिलता ही है, प्लस कोकोनट भी मिलता है, प्लस कोकोनट फाइबर भी मिलता है जिससे काफ़ी सारी रस्सियां बनती हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कोकोनट ऑयल भी मिलता है. ठीक है. तो इसको हम प्योर फॉरेस्ट नहीं बोल सकते, लेकिन इसकी खेती बाड़ी आपको नहीं देखनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम इसके पीछे लगे रहो. जैसे आप राइस या वीट की खेती बाड़ी करते हैं वैसा आपको नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप होगा भाई साहब. ठीक है. आपने कोकोनट का फार्म लगा दिया है, ये अपने आप होता रहेगा. यू डोंट हैव टू डू मैसिव रीस्ट्रक्चरिंग और मैसिव आपका केयर टेकिंग, ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको. काफ़ी सारा लेबर आपको लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा. तो लगभग ये फॉरेस्ट की तरह ही हो गया है. तो पेड़ों में से हमको सिर्फ डिफरेंस ये है कि हमको यहाँ पे एक आउटपुट मिल रहा है, नारियल मिल रहा है जो एक प्रोडक्ट ये हमको दे रहा है. ठीक है. तो स्टेट फॉरेस्ट जो है वो ये बोलता है कि भाई क्या हमको कोई मतलब नहीं है, आप प्लांटेशंस करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लांटेशन से हमको फायदा ही है. ठीक है. तो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही है बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन. नेचुरल फॉरेस्ट और प्लांटेशन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कर रही है. ठीक है. और इसीलिए जो नेचुरल प्लांटेशन हैं जैसे आपके टी प्लांटेशन हो गए, टी प्लांटेशन जो पहाड़ी इलाकों में होता है, जैसे अगर आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट में बोलते हैं ना आसाम की चाय, ठीक है, दार्जिलिंग की चाय, ऐसा क्यों बोल रहे हैं भाई साहब? क्योंकि वो आपके पहाड़ी एरियाज हैं. अभी पहाड़ी एरियाज में ऐसे ही अगर आपके पेड़ लगे रहेंगे, इससे अच्छा भाई साहब हम वहाँ पे फार्मिंग ही कर दें. ठीक है. ग्रीनरी भी रहेगी,
फॉरेस्ट कवर भी रहेगा और सॉइल इरोजन भी बचेगा भाई साहब, ठीक है। तो और हमको फायदा होगा चाय की पत्तियों से, ठीक है, क्योंकि चाय के पूरे पेड़ को काटना नहीं पड़ता है। चाय की खेती किसने देखी है क्या, ठीक है, तो ऊपर का जो है एक छोटा सा लीफ जो आता है सिर्फ उतना ही प्लक किया जाता है, बाकी पूरा पेड़ वैसा का वैसा ही रहता है। समझ में आ रहा है, चाय की मतलब चाय का झाड़ ऐसा है देखो, ठीक है, इतना बड़ा चाय का झाड़ होता है एक, उसमें से दो या तीन लीव्स आप प्लक करते हैं बस, बाकी पेड़ को आप नहीं काटते हैं, तो इट विल रिमेन एज इट इज, यू विल नॉट कट, मतलब जैसे राइस और वीट में पूरे पेड़ को ही काटना पड़ता है वैसा वैसा नहीं है वहां पे, ठीक है। सो अगर आप प्लांटेशन कर रहे होंगे, सो प्लांटेशन में फायदा क्या हो जाएगा कि ये फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएगा, जिसको हम फॉरेस्ट में गिनती करेंगे, क्योंकि ये कटेंगे नहीं, आप नारियल के पेड़ को काटेंगे नहीं, इट विल रिमेन एज इट इज, है ना। तो प्लांटेशन अगर हम फॉरेस्ट कवर नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो क्या हम प्लांटेशन बढ़ा पाएंगे, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने फायदे के लिए सोचता है, ठीक है। फॉरेस्ट से शायद उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, बट क्या प्लांटेशन से उसको फायदा होगा, यस, बट अगर प्लांटेशन को अगर हम फॉरेस्ट कवर में गिनते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है, हम कम से कम प्लांटेशन ही बढ़ा दें, इससे हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, ठीक है, और ऑब्वियसली हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन रहेगा, और प्लस हमको जो प्रोडक्ट्स है वो भी मिलते रहेंगे, चाय हमको मिलता रहेगा, या भाई साहब आपका यू नो दिस कोकोनट विल ऑल्सो बी अवेलेबल टू अस, ठीक है। सो ये सारी चीजें हो जाती हैं। ओके, बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इंटरनेशनल यूनियन है, द एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। जैसे आपका पढ़ा है ना आपने इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, IUPAC जिसको हम बोलते हैं, वैसे ही आपका इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज है, ये काफी बार आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा गया है, व्हाट इज IUCN, ठीक है, सो इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, IUCN इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। द एग्जिस्टिंग प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज आर क्लासिफाइड, तो आपका पहला क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्पीशीज, then we have endangered species, then we have vulnerable species, then we have rare species, then we have endemic species, ठीक है, ये सारे आपके भाई साहब अलग अलग species हैं, और एक आ जाता है आपका extinct species, normal, endangered, vulnerable, rare, endemic and extinct species, ये different type के species हैं आपके, ठीक है, okay, let's look at this people, normal species क्या हो जाएंगे, species whose population levels are considered to be, ठीक है, normal for their survival is called as normal species. तो जो species endangered नहीं है, ठीक है, अभी फिलहाल उनका जितना numbers हैं, ठीक है, उतना रहना ठीक है, ठीक है, species whose population levels are considered to be normal, normal है भाई population level, अभी ये खतरे में नहीं है, ठीक है, हमको ज्यादा इन पे ना ध्यान देंगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो these are known as normal species. अभी examples क्या क्या हो जाएंगे, जैसे भाई साहब rodents, इनकी कोई कमी नहीं है भाई साहब, ठीक है, फैले हुए हैं पूरा, ठीक है, चूहे, ठीक है, डिजीज आर रोडेंट्स, देन वी हैव पाइन, पाइन ट्रीज होते हैं, ये पाइन ट्रीज आपको ज्यादा करके फॉरेस्ट एरियाज, जो माउंटेनियस एरियाज होते हैं वहां पे मिलते हैं, बर्फीले एरियाज, ठीक है, क्योंकि इनका शेप कुछ ऐसा होता है, देखो ऐसा ऐसे होते हैं, मतलब बर्फ गिरता भी नहीं इनके ऊपर तो ऐसा चले जाता है, बर्फीले एरियाज में ऐसे पेड़ नहीं हो सकते, ऐसे पेड़ क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये बर्फ गिर गिर के इनको खराब कर देगा, बट यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमारे हाउस के ऊपर गाँव केड़े में ऐसा होता है ना, देखो ये क्यों होता है, ताकि ये पानी या बर्फ ऐसे बह जाए, ये पाइन ट्रीज भी कुछ ऐसे ही होते हैं, इनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि ये सारा जो बर्फ है वो नीचे चला जाता है, सो ये सड़ते नहीं है, तो पाइन ट्रीज आपके माउंटेनियस एरियाज में, जहाँ पे हिमालय के एरियाज में, जहाँ पे कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं है, वहां पे उगते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या हो गए, नॉर्मल स्पीशीज हो गए, इनका नंबर्स काफी है, कैटल ये भी हमारे लिए नॉर्मल स्पीशीज हो गए, ठीक है, ओके, एंडेंजर्ड स्पीशीज, द वंस हु आर इन डेंजर, ठीक है, और ये डेंजर भाई साहब ज्यादा करके हमसे है, ठीक है, हमसे है, फॉर वॉट एवर रीजन, डिफॉरेस्टेशन ले लो, एक्सेसिव हंटिंग ले लो, पोचिंग ले लो, एनीथिंग, बट बट इट्स वी हु आर द रीजन फॉर देयर एक्सटिंक्शन, ठीक है, दीज आर स्पीशीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, द सर्वाइवल ऑफ सच स्पीशीज इज डिफिकल्ट इफ द नेगेटिव फैक्टर्स दैट हैव लेड टू द डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन कंटिन्यू टू ऑपरेट, तो जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन हो, चाहे एक्सेसिव हंटिंग हो, चाहे पोचिंग हो, चाहे स्किन के लिए हंटिंग हो, हंटिंग तो मतलब शौक के लिए करते हैं लोग, इनके सींग के लिए या स्किन के लिए अगर हम इनकी हंटिंग कर रहे हैं तो भी, ठीक है, सो पोचिंग वगैरह ये सारी चीजें इनके एक्सटिंक्शन के लिए, तो ब्लैक बग एग्जाम्पल आपका, ब्लैक बग इज एन एंडेंजर्ड स्पीशी इन इंडिया, ठीक है, इट्स एन एंडेंजर्ड स्पीशी इन इंडिया, देन वी हैव लायन टेल मैकाव, ठीक है,
विच इज बेसिकली अभी बहुत ही रेयर हो गया, अभी आपको नहीं मिलेगा ये देखने को, ठीक है। तो दिस इज लायन टेल मकाओ, ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो चुका है ये। देन वी हैव इंडियन वाइल्ड एस डोंकी, जिसको हम बोलते हैं। ये डोंकी हम इसको यूज नहीं करते हैं, ये वाइल्ड क्रिएचर है, ठीक है। इंडियन वाइल्ड एस है, दिस इज बेसिकली डोंकी। इंडियन राइनो आज की तारीख में ये लुप्त प्राय है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट एक्सटेंट हो चुका है, ठीक है। आसाम में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक एक्चुअली नेशनल पार्क है जहाँ पे राइनोस को अवेलेबल कराया गया है फॉर फॉर प्रिजर्वेशन, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो गोइंग एक्सटेंट डे बाई डे। देन वी हैव संगाई डियर, ठीक है। ऑल दीज आर एंडेंजर्ड स्पीशीज, दीज आर स्पीशीज वल्नरेबल स्पीशीज। क्या होती है भाई साहब? These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future if the negative factors continues to operate. तो आज ये endangered नहीं है, लेकिन मतलब और थोड़ा सा अगर हमने negative factors को increase कर दिया तो ये endangered हो जाएंगे, ठीक है। Today they are in between normal and endangered. Normal species और endangered के बीच में है ये, ठीक है। अगर इनके ऊपर हमने नेगेटिव फैक्टर्स इंक्रीज कर दिए तो ये एंडेंजर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर नोन एज वल्नरेबल स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज। इनके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे भाई साहब? ब्लू शिप, दिस इज अ वल्नरेबल स्पीशीज। देन एशियाटिक एलिफेंट, ये भी एक वल्नरेबल स्पीशीज है। ज्यादा करके इसके दांत के लिए भाई साहब इसकी हंटिंग की जाती है, ठीक है। तमिलनाडु और साउथ एरियाज में काफी ज्यादा पाए जाते हैं और अक्सर इनकी हंटिंग करके इनको मार दिया जाता है सिर्फ दांतों के लिए। पता नहीं क्या हमारे यू नो सोसाइटी में ये माइथोलॉजी है कि हाथी के दांत का चूड़ा अगर आप अपने पास रखते हैं या टुकड़ा भी रखते हैं तो लक आपके पास आता है। मैं बोलता हूं कि भाई साहब एक हाथी को एक इंसान चलाता है बैठकर ऊपर, उसके टुन्नू सा है, मतलब हाथी एक पैर मारेगा तो मर जाएगा, किधर दब जाएगा उसका हिसाब नहीं है, और उसका दांत तोड़कर वो लकी बन जाएगा। इतना बड़ा दांत जिसके पास है वो लकी नहीं है और उसका दांत तोड़कर हम लकी बन जाएंगे। I have no clue as to why, but हाथी के दांत जो हैं, जो आइवरी है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, ठीक है। काफ़ी एक्सपेंसिव है और काफ़ी ज़्यादा इसका वैसे पहले तो आइवरी की चीज़ें खुल्लम खुल्ला बिकती थी, ठीक है। अभी रिस्ट्रिक्शंस लग गए हैं, ठीक है। ओनली एलिफेंट्स दैट हैव डाइड अ नेचुरल डेथ, देयर tusks could be cut, उनके आइवरी को हम यूज़ कर सकते हैं, नॉट बाई हंटिंग, ठीक है। लेकिन हंटिंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी मात्रा में चालू है और एलिफेंट स्पीशीज के ऊपर काफी ज्यादा उपद्रव है। तो ये एशियाटिक एलिफेंट है, दिस इज ऑल्सो इन एन एंडेंजर्ड स्पीशी, मतलब ऑलमोस्ट एंडेंजर्ड स्पीशी है। अगर हमने रोक टोक नहीं लगाया जल्द तो वी विल बी लूजिंग इट, ठीक है। ओके, रेयर स्पीशीज क्या होते हैं भाई साहब? तो हमने पढ़ा भाई साहब क्या क्या स्पीशीज है, एक हो गया नॉर्मल स्पीशी, एक हो गया एंडेंजर्ड स्पीशी, दूसरा हो गया वल्नरेबल स्पीशीज, देन वी हैव रेयर स्पीशीज। व्हाट आर रेयर स्पीशीज बच्चा बाड़ी? With small population move into the endangered or vulnerable category. इनका population काफ़ी कम हो चुका है और अगर हमने care नहीं लिया तो या तो ये vulnerable हो जाएंगे या तो ये endangered हो जाएंगे, ठीक है। So we can say that they are somewhere between normal and vulnerable species, ठीक है। Okay, so पहला vulnerable means exposed to the possibility of being attacked or harmed, ठीक है। So यहाँ पे the examples of such species are Himalayan brown bear, ठीक है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स, हॉर्नबिल एक्सेट्रा। ये ब्राउन बियर जो होता है, पता नहीं हमारे टाइम पे ना जो मदारी होते थे बंदर लेकर घूमते थे और साथ ही साथ भालू भी लेकर घूमते थे, किसी ने देखा है क्या? भालू लेकर घूमते थे एक्चुअली में, भालुओं को ट्रेन किया जाता था, मदारी लोग जंगल से भालू पकड़ के लाते थे और भालू लेकर ऐसा ये ऐसा ऐसा भालू रहता था उसको लेकर घूमते थे, ठीक है। हाउ दे यूज टू ट्रेन इट आई डोंट नो, ठीक है, लेकिन ऐसा था पहले, ठीक है। ओके, अभी तो रोक टोक लग गई है। तो हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल एक्सेट्रा, ये सब आपके रेयर स्पीशीज हो चुके हैं, ठीक है। ये आपका भाई साहब वाइल्ड एशियाटिक बफेलो है, ठीक है। देन वी हैव डेजर्ट फॉक्स, दिस इज बेसिकली द डेजर्ट फॉक्स, दिस इज द हॉर्नबिल, ठीक है। ये हॉर्नबिल, ये भी भाई साहब आपके सब ऑलमोस्ट रेयर स्पीशीज बन चुके हैं, ठीक है। ओके, एंडेमिक स्पीशीज मतलब खत्म हो चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म, ठीक है। एंडेमिक स्पीशीज विच आर ओनली फाउंड इन सम पर्टिकुलर एरियाज, मतलब कुछ एरियाज में ये पाए जा रहे हैं और ऑलमोस्ट खत्म होने के कागार में है, ठीक है। जो लास्ट रिपोर्टिंग होगी उसके हिसाब से ये रेड बुक में आ जाएंगे। रेड बुक इज बेसिकली एक्सटिंक्ट स्पीशीज का बुक होता है, जितने स्पीशीज धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, ठीक है। सो अंडमान टील बोलते हैं इसको, ये सिर्फ अंडमान आइलैंड्स के उधर ही पाया जाता है, यूजुअली आइसोलेटेड बाय नेचुरल और ज्योग्राफिकल बैरियर्स, ठीक है, सेपरेटेड हो जाते हैं ये ज्योग्राफिकल बैरियर से। एग्जाम्पल आपका अंडमान टील हो गया, ये निकोबार पीजन, ये सिर्फ निकोबार में, ऐसा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इस तरीके के पीजन्स पाए जाते हैं, ठीक है।
इस तरीके के पिजन्स पाए जाते हैं। मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश, दिस इज अ टाइप ऑफ काउ, ठीक है, विच इज फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश। एशियाटिक चीता, ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गया है, इसलिए हमारे इंडिया में भाई साहब बाहर से चीता मंगाए गए हैं, ठीक है, ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, दिस इज एक्सटिंक्ट स्पीशीज, दीज आर स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे माइट अकर। तो सारे जंगलों को छानबीन करके हम इस कंक्लूजन में पहुंच चुके हैं कि इंडिया डजंट हैव एनी चीतास एनीमोर, एशियाटिक चीतास होते थे ये, बट दे आर नॉट अवेलेबल एनीमोर, ठीक है, ओके। अ स्पीशीज में बी एक्सटिंक्ट फ्रॉम अ लोकल एरिया, तो हो सकता है कि एक जगह से एक्सटिंक्ट हो गया हो, कोई कोई स्पीशीज होते हैं जो पूरे वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, तो इंडिया में एक लोकल एरिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं स्पीशीज, एक रीजन से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, एक कंट्री से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, एक कॉन्टिनेंट से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, या एंटायर अर्थ से भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। अगर एंटायर अर्थ से एक्सटिंक्ट हो गया तो भाई साहब हमारे पूरे ह्यूमन रेस का फेलियर है, ठीक है, और अगर एक लोकल एरिया से है तो ऑब्वियसली लोकल लोग जिम्मेदार हैं, ठीक है, या कंट्री से है तो ऑब्वियसली कंट्री के लोग उसके जिम्मेदार हैं, ठीक है, ओके। सो ये आपके एक्सटिंक्ट स्पीशीज हैं, एशियाटिक चीता। देन वी हैव पिंक हेड डग विच इज ऑल्सो एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है। So Asiatic cheetah is now, the cheetah is the world's fastest land mammal. It is a unique and specialized member of the cat family. बहुत ही यूनिक है, क्यों? क्योंकि ये अपने स्पीड को इतनी जल्दी कैसे कैच अप करता है, there are lot of reasons to it. Firstly, ये बहुत muscular है, मतलब इसके body में fat की बहुत ज़्यादा कमी है, it is not at all, और दूसरा इसका जो head है ये streamlined है, ठीक है, आप अगर देखो कि शेर या you know लायन या टाइगर, इनके हेड्स काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, लेकिन चीता का जो हेड होता है वो काफ़ी छोटा होता है और स्ट्रीमलाइंड है, ठीक है, स्ट्रीमलाइंड, जैसे आपका देखो एरोप्लेन्स के हेड कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, क्योंकि ये बहुत तेज जा रहे हैं ना, तो इसकी पूरी बॉडी स्पीड के लिए अडेप्टेड है, द एंटायर बॉडी ऑफ अ चीता इज एक्चुअली अडेप्टेड फॉर स्पीड। और दूसरा ये है कि ये पेड़ों पर भी चढ़ सकता है, इट कैन एक्चुअली क्लाइंब ट्रीज एंड ऑल, सो इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ अ, ओके, इट कैन मूव एट अ स्पीड ऑफ 112 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और ये देखो, ये जो आपका स्ट्रीमलाइन बॉडी है इसका, ये देखिए इसका हेड का जो शेप है वो काफ़ी छोटा है एज कम्पेयर टू अदर एनिमल्स इन दिस कैटेगरी, लेट्स से लायन और टाइगर, ठीक है, तो काफ़ी छोटा है इसलिए स्ट्रीमलाइन मोशन पॉसिबल है, ठीक है, स्ट्रीमलाइन मोशन, ओके। द चीता इज ऑफन मिस्टेकन एज अ लेपर्ड, लेपर्ड और चीता में काफ़ी फर्क है, लेपर्ड उतना स्पीड नहीं ले सकता है, हाँ, लेकिन लेपर्ड का एक क्वालिटी क्या है कि भाई साहब वो भारी भरकम चीज़ों को लेकर ऊपर जा सकता है, मतलब पेड़ के ऊपर, एक पूरे डियर को मार के वो पेड़ के ऊपर तक खींच सकता है, ठीक है। सो लेपर्ड, लेपर्ड तो खैर हमारे यहाँ पे एक्सटिंक्ट नहीं है, ठीक है। सो चीता और लेपर्ड में काफ़ी सारे फर्क हैं, इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप लाइन्स, ठीक है, तो आपके ऐसे लाइन्स हैं, देखो दिस इज बेसिकली डिस्टिंग्विशिंग मार्क, ये ऐसा लग रहा है कि ये रो रहा है ऐसा, ठीक है, टीयर ड्रॉप शेप लाइन्स, ऐसे लाइन्स हैं, ठीक है, इट्स डिस्टिंग्विशिंग मार्क्स आर द लॉन्ग टीयर ड्रॉप शेप्ड लाइंस, ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ इट साइड्स टू इट्स माउथ, तो कॉर्नर ऑफ इट्स साइड से ऐसे चालू होता है और ये माउथ तक, ऐसा रहता है चीता का, एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, दिस इज बेसिकली अ डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ठीक है। वेयर डिड दे गो, गए कहाँ भाई साहब ये, ठीक है, तो वेयर डिड दे गो, ठीक है, प्रायर टू द 20th सेंचुरी चीतास वेर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट अफ्रीका एंड एशिया, काफ़ी बड़े मात्रा में अफ्रीका और एशिया में डिस्ट्रीब्यूटेड थे, अफ्रीका में अभी भी हैं और वहीं से लाए जा रहे हैं अभी यहाँ पे इनको रिहैबिलिटेट करने के लिए, ठीक है, तो काफ़ी बड़ी मात्रा में ये डिस्ट्रीब्यूटेड थे। टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू द डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे, दोनों भी चीज़ें, इनके लिए जो फॉरेस्ट चाहिए वो नहीं है और प्रे भी नहीं है, इनके लिए किस टाइप का फॉरेस्ट चाहिए भाई? हाँ नहीं, डेंस फॉरेस्ट नहीं चाहिए, इनके लिए ग्रासलैंड्स चाहिए, ठीक है। अरे ये किस लिए अडेप्टेड है? स्पीड के लिए, अगर बहुत सारे पेड़ होंगे तो उन जगह पे वो नहीं रह सकते हैं, तो अभी ग्रासलैंड्स को जनरली क्या किया गया है, ग्रासलैंड्स को एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है, इसीलिए इनकी जो हैबिटेट है वो खत्म हो चुकी है। एंड प्रे, इन ये जो खाते हैं वो भी हमारे धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, डियर्स वगैरह जो भी हैं जिनकी हंटिंग ये करते हैं, दे आर ऑल्सो गोइंग एक्सटिंक्ट, दैट इज द रीजन दे हैव ऑल्सो गॉन एक्सटिंक्ट, ठीक है, ओके। सो द स्पीशीज वर डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक, 1952 में ये एक्सटिंक्ट हो चुका था, ठीक है, आजादी के 5 साल बाद ही हम इसको हाथ धो बैठे थे, ठीक है, सो वी वेर नॉट हैविंग दिस एनी मोर, ओके। रीजंस फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट, अभी हम देखेंगे भाई साहब फॉरेस्ट का डिप्लीशन क्यों हो रहा है। मेन रीजन फॉर डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, बहुत बड़ी तादाद में आपके भाई साहब ट्रीज को काटे जा रहे हैं, ठीक है,
आज की तारीख में आपके पास फर्नीचर के इतने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन मैं वही देखता हूँ, लोग फर्नीचर हमेशा लकड़ियों से ही बनाते हैं। इतने फैंसी फर्नीचर्स आज की तारीख में अवेलेबल है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कोई लकड़ी से नहीं बना है। स्ट्रॉन्ग है, अभी देखो ये स्ट्रॉन्ग है, दिस इज बेसिकली स्ट्रॉन्ग, दिस इज नॉट मेड अप ऑफ वुड, ठीक है। ये आपके फाइबर वगैरह आ चुके हैं, फाइबर के चेयर टेबल्स आ चुके हैं, लेकिन लोग फिर भी वही फर्नीचर प्रेफर कर रहे हैं। हाउ मेनी ट्रीज आर बींग कट डाउन फॉर दिस, ठीक है। तो हम इस चीज को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, कि अगर रिप्लेसमेंट आ गया है वाई नॉट यूज इट, ठीक है। मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट इज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ठीक है। तो आप ये देखो भाई साहब फर्नीचर, ठीक है, हमारे लिए शो पीस है फर्नीचर, जितना ज्यादा हम फर्नीचर लगा सकते हैं घर में वो हमारे लिए शो पीस बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग, वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड नेचर इनटू अ रिसोर्स बाय ऑब्टेनिंग डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। इतने सारे लॉग्स ऑफ वुड वी ऑब्टेन वुड, ठीक है, वी ऑब्टेन वुड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या, मतलब फर्नीचर तो चलो लोग जिंदा हैं, अपना भाई साहब उनका घर है और वो उसमें कर रहे हैं, आप किसी डेड बॉडी को इतने लकड़ियों से जलाते हैं, ठीक है। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक सिस्टम भी है लेकिन लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। हम मान सकते हैं कि अंतिम संस्कार की एक प्रक्रिया है, लेकिन इज देयर अ वे वी कैन चेंज इट, ठीक है। आप सोचिए 135 करोड़ लोग मरेंगे, सबके सब मरेंगे, वी ऑल हैव टू डाई। 135 करोड़ इंसानों के मरने के लिए कितनी ही आपकी लकड़ी जलेगी, कितने फॉरेस्ट चले जाएंगे, ठीक है। सो दीज आर थॉट्स दैट वी हैव टू बेसिकली पॉन्डर अपॉन, ठीक है। आपके ट्रीज जा रहे हैं, जो चला गया है वो तो चला ही गया है, आप उसके साथ कुछ ट्रीज को काट कर भी उसको भी खत्म कर रहे हैं, ठीक है। सो मे बी एन ऑल्टरनेटिव दिस इज, आपको अग्नि संस्कार करना है, आपके पार्थिव शरीर को अग्नि संस्कार का अंजाम देना है, तो वाई डोंट वी प्रिफर द इलेक्ट्रिक सिस्टम, ठीक है। आज भी लोग उस सिस्टम को प्रिफर नहीं कर रहे हैं, उनके माइंड में ब्लॉक्स है कि नहीं यार ये गलत है, हमको ऐसे ही जलाना है, ठीक है। सो दीज आर थिंग्स विच वी कैन ईजिली यू नो टेक केयर ऑफ, ठीक है। फॉडर में यूज होता है, चलिए ये तो पैसा आपको कैटल को खिलाने में यूज हो रहा है, ठीक है। डाइज, काफी सारे डाइज बनते हैं आपके फॉरेस्ट से, ठीक है, ओके। रबड़ के लिए यूज होता है, चलो ये भी रबड़ प्लांटेशन इज ऑल्सो अ फॉरेस्ट एरिया। रबड़ के लिए अगर आप ट्रीज को उगाते हैं, एक्चुअली में करते क्या है हम, कुछ नहीं है, ऐसा एक कट मार देंगे उसमें से और ऐसा एक कदोड़ी रख देंगे, इसमें पूरा रबड़ आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। ये एक नेचुरल फाइबर है, अच्छा फाइबर है और इससे आपके ट्रीज में कोई हार्म नहीं होगा, थोड़ा सा कट कर देंगे तो वो पूरा, एक्चुअली ये वेस्ट ही है, ट्रीज के जो वेस्ट होते हैं वो ऐसे ही निकलते हैं। अगर आप किसी ट्री में कट मारते हो, कभी आम के पेड़ में अगर कट मारोगे ना, तो आपको एक गेम मतलब एक गोंद जैसा दिखेगा, एक चीज निकलेगी, ठीक है। वो बहुत उसका एडहेसिवनेस बहुत हाई होता है, ठीक है। इनफैक्ट गांव के लोग क्या करते हैं, जब पैरों की एड़ियां फटती है ना, आप तो यहाँ पे क्रीम में मलते हैं भाई साहब, ठीक है, वो लोग उसको लगा देते हैं, पैरों की एड़ियां जब फटती है ठंडी में तो उसको लगा देते हैं और वो एक्चुअली हील कर जाता है। मतलब वो समझ लो आपके स्किन में क्रैक आया है, उसको अगर आप फिल कर देंगे ना तो वो चिपक जाएगा आपका स्किन, ठीक है, उसका एडहेसिवनेस बहुत अच्छा होता है। तो बट दीज आर ऑल वेस्ट, ये प्लांट के वेस्ट हैं, तो इसमें आप प्लांट को हार्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आपने पूरे प्लांट ट्री को ही काट दिया तो अलग बात हो गई, लेकिन इसमें आप प्लांट को हार्म नहीं कर रहे हो, आपको भी एक प्रोडक्ट मिल जा रहा है और प्लस फॉरेस्ट एरिया में भी इसकी गिनती हो जाएगी, ठीक है, ओके। सो वी ऑब्टेन रबर, ठीक है, तो एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं फॉरेस्ट से। द ग्रेट डैमेज इन्फ्लिक्ट ऑन इंडियन फॉरेस्ट वॉज ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में, ब्रिटिश एम्पायर के पीरियड में बहुत सारा डैमेज हुआ था, वो आए थे हमको लूटने के लिए, उनको हमारे से कोई मतलब नहीं था, ठीक है, दे जस्ट वॉन्टेड टू लूट एंड प्लंडर अस। तो बहुत बड़े पैमाने पे ये हुआ था, दिस वॉज ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज हुआ, ठीक है, और अनप्लान्ड हुआ, अनप्लान्ड रेलवेज, एग्रीकल्चर, ठीक है, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, ठीक है, और भाई साहब माइनिंग एक्टिविटीज, ठीक है, ये सब चीजों के चलते भाई साहब आपका डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट हुआ है, ठीक है। मतलब रेलवेज, रेलवे लेआउट के लिए ऑब्वियसली, एग्रीकल्चर के लिए, कमर्शियल फॉरेस्ट्री मतलब क्या हो जाती है, मतलब जब जहाँ पे आप फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, लेकिन फॉरेस्ट्री का पर्पस है कि आप कोई कमर्शियल प्रोडक्ट वहां से ला रहे हैं, कोई आप नारियल ले लो या भाई साहब यू नो, सो दिस द पर्पस हियर इज कमर्शियल, ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कमर्शियल फॉरेस्ट्री, दिस इज नोन एज कमर्शियल फॉरेस्ट्री, ठीक है। साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या होती है भाई साहब, व्हाट इज साइंटिफिक फॉरेस्ट्री,
कभी अगर फॉरेस्ट में साइंस के लिए अगर फॉरेस्ट्री होती है तो उसको अपन बोलते हैं साइंटिफिक फॉरेस्ट्री. देन ऑफ कोर्स वी हैव माइनिंग एक्टिविटीज. सो ये तमाम चीजें हैं जिसके वजह से डिप्लीशन हो रहा है. ठीक है. लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द लॉस ऑफ फॉरेस्ट. बहुत सारे डैम्स के वजह से, अभी डैम्स के वजह से कैसे फॉरेस्ट जाते हैं, समझ लो कोई रिवर था यहाँ पे ऐसे आ रहा है. ठीक है. लेट्स से देयर वाज अ रिवर हियर. ठीक है. और आपने कोई डैम बना दिया, तो डैम बनाने से क्या हो गया, अभी रिवर का पानी आगे जा रहा था. ये जो रिवर का पानी आगे जा रहा था पहले, इस पे बहुत सारे जीव जंतु निर्भर थे. ठीक है. आपका फ्लोरा एंड फौना इस पे डिपेंडेंट था. आपने डैम से इसको रोक दिया. अभी ये जो फ्लोरा एंड फौना है ये तो भाई साहब डिस्ट्रॉय होने ही वाला है. दिस गेट्स डिस्ट्रॉयड. ठीक है. आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचे इस कीमत पे पहुंचती है. ठीक है. दिस इज द प्राइस दैट वी ऑल हैव टू पे. ठीक है. ओके. सो सिंस 1951 ओवर 5000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट वॉज क्लियर फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स. और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स का मेन इंटेंशन था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इतना सारा फॉरेस्ट क्लियर हुआ है. अब देखिए 5000 स्क्वायर किलोमीटर. ठीक है. क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट इज स्टिल कंटिन्यूइंग विद प्रोजेक्ट्स लाइक द नर्मदा सागर प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश. ठीक है. यहाँ पे नर्मदा रिवर में एक बहुत बड़ा डैम बन जाए, इट वुड इनंडेट 40,000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट. इनंडेट मतलब भाई साहब इतना फॉरेस्ट लैंड चला जाएगा 40,000 हेक्टेयर्स. ठीक है. इस प्रोजेक्ट से. ठीक है. माइनिंग इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर बिहाइंड डिफॉरेस्टेशन. ऑब्वियसली हम मिनरल्स ऑब्टेन कर रहे हैं, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, और इसके चलते क्या हो रहा है, तो आप माइनिंग करेंगे तो एकदम धरती के अंदर तक जाएंगे. अंदर तक तभी जा सकते हैं जब ऊपर का भाई साहब आप जो भी पेड़ पौधे उसको साफ कर दें. ठीक है. यू कैन गो इनसाइड डीप इनटू द अर्थ फॉर माइनिंग ओनली व्हेन यू हैव क्लियर्ड द फॉरेस्ट. तो ये एक और भाई साहब चक्कर है. ठीक है. ओके. द बक्सा टाइगर रिजर्व इन वेस्ट बंगाल इज सीरियसली थ्रेटन्ड बाय ऑनगोइंग डोलोमाइट माइनिंग. डोलोमाइट एक मिनरल है बेसिकली, और ये बक्सर में है, बेसिकली बिहार में, और बक्सर के आजू बाजू एक टाइगर रिजर्व है. लेकिन इतना ज्यादा आवाज और शोरगुल है कि दे आर गेटिंग डिस्टर्ब. ठीक है. फॉरेस्ट लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है वहां पे. ठीक है. ओके. इट हैज डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन रूट फॉर एनिमल्स. तो माइग्रेशन रूट ही बंद हो गया. बहुत सारे जो एनिमल्स बाहर से आ रहे थे या जो आपके नो बर्ड्स आ रहे थे वो सब बंद हो गए. ठीक है. क्योंकि बर्ड्स सबसे ज्यादा नॉइज से इन्फ्लुएंस होते हैं. आप एक पटाखा फोड़ोगे आपको दिखेगा कि चारों तरफ से कबूतर निकल रहे हैं, है ना. द मोमेंट यू बेसिकली क्रिएट अ नॉइज दे आर द वंस विच आर मोस्ट डिस्टर्ब. ठीक है. जैसे मैं इस पेड़ की बात कर रहा हूँ, बाहर जो हमारे पेड़ है दो तीन, इसमें मैं जब भी आता था दोपहर के टाइम पे भी चिड़ियों की आवाज सुन सकता था. ठीक है. वी आई कैन एक्चुअली हियर दोज बर्ड्स चर्पिंग, चालू रहता था इनका. ठीक है. जब से यहाँ पे आपका कॉलेज का काम चालू हुआ है धाड़ू तब से वो आवाज़ बंद हो गई है. ठीक है. इट हैज़ गॉन एक्सटेंड. अभी वो वहाँ पे नहीं आते हैं. तो ये माइग्रेशन भी बंद हो जाएगा. आप समझ लीजिए माइनिंग जब करते हैं इतनी आवाज़ें होती हैं, ब्लास्ट होता है वहाँ पे. ठीक है. इतने सारी चीज़ें होती हैं तो ऑब्वियसली आपका माइग्रेशन बंद हो जाता है. और ऑब्वियसली यहाँ पे जो फॉरेस्ट में जीव जंतु हैं वो भी इम्पैक्टेड हो जाते हैं. ठीक है. सो इट हैज़ डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मेनी स्पीशीज एंड ब्लॉक द माइग्रेशन. मेनी फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल्स होल्ड द व्यू. ठीक है. It has disturbed the natural habitat of many species. Hold the view that the greatest degradation factors behind the depletion of forest resources, greatest degradation factor kya hai bhai sahab, are grazing and fuel wood collection. Aisa bahut sare log mante hain. Grazing kya hota hai bhai sahab? Grazing hota hai jo charwaye hote hain wo apne animals ko saath lekar in forest mein bhai sahab char, matlab ghas char rahe hain. Theek hai. Ab jab forest mein ghas char rahe hain to ghas ke dekhiye ghas ke roots bahut niche tak jate hain और ये सॉइल को होल्ड करके रखते हैं. लेकिन जब यहाँ पे हो गया तो खत्म हो गया ना भाई साहब. ये सॉइल अभी एक्सपोज हो गया. दिस सॉइल इज नाउ एक्सपोज फॉर इरोजन एंड दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम. ठीक है. दैट कैन सीरियसली क्रिएट अ प्रॉब्लम. दे आर ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन. तो ग्रेजिंग और फ्यूल वुड कलेक्शन ये आपके लिए एक देखो अभी आप बोलेंगे तो क्या चरवाहे ना करें. देखिए प्लान्ड हो सकता है. जैसे समझ लो यहाँ पे एक लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है. ठीक है. आप अपने कैटल को लेकर पहले इस ग्रास को चरते हैं, 6-7 दिन इसमें कर लिया, फिर आप इस प्लॉट में मूव कर जाइए. ठीक है. फिर प्लान तरीके से यहाँ पे किया तो जब तक फिर आप इसमें मूव कर जाइए. ऐसे कीजिए. अगर आप ऐसा करते हैं जब तक आप एनिमल्स को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, तब तक यहाँ पे घास उग जाती है. ठीक है. लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, एनिमल्स को छोड़ दिया जा रहा है और वो पूरे एरिया पे चर रहे हैं.
ठीक है, खचा खुचू खचा खुचू यहाँ पे, तो मतलब आपके एरिया में इस तरह से चरवाही हो रही है कि घास ठीक से उगी नहीं पा रही है, पूरा एरिया ही बैरन हो जा रहा है। ठीक है, आप अगर ऐसे घेर लें और मतलब प्लॉट वाइज चरवाहे अगर इस चीज को करें, तो जब तक भाई साहब ये तीसरे प्लॉट में मूव करेंगे, पहले वाला प्लॉट जो है रिप्लेनिश हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आ गए, फिर आप यहाँ पे आ गए, जब तक आप लास्ट वाले स्लॉट में आएंगे तब तक लगभग बाकी के 5 स्लॉटों में घास तैयार हो चुकी होगी। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हम काफी सारा पर्यावरण को बचा सकते हैं, बट वी डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ प्लांट ग्रेजिंग। ठीक है, फ्यूल वुड कलेक्शन, बहुत सारे जगहों पे अभी तक नेचुरल गैस पहुंचा नहीं है, तो गांव वालों के लिए या आसपास के एरियाज के लिए फ्यूल वुड कलेक्शन होता है। ये भाई साहब ये सब चीजों को उखाड़ लेते हैं, ठीक है, और इसी से भाई साहब लकड़ियां जलाते हैं और अपना चूल्हा चौका करते हैं। ठीक है, विच इज अगेन लीडिंग टू द एक्सटेंशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि दिस इज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर। ठीक है, तो कहीं जहां पे ऐसा आपका होता था, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इट विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, इन फैक्ट रिमेन्स दैट अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द फ्यूल फॉर डिमांड इज मेट बाई लॉपिंग रेदर देन फेलिंग इन टायर ट्रीज। लॉपिंग मतलब ये उखाड़ देखना। ठीक है, पूरे ट्री को नहीं कर रहे हैं हम, काट रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके ऐसे टुकड़ों टुकड़ों को भाई साहब लेकर जा रहे हैं। ठीक है, रिमूव ब्रांचेस फ्रॉम अ ट्री। द फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स आर रिपोजिटरीज ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज। ठीक है, तो आपके जितने भी फॉरेस्ट इकोसिस्टम्स हैं, इसमें भाई साहब रिपोजिटरीज मतलब क्या होती है, यहाँ पे ऑलमोस्ट हैं ये सारी चीजें। ठीक है, सम ऑफ द कंट्रीज मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, मिनरल्स एंड अदर रिसोर्सेज, ये सारी चीजें हैं भाई साहब यहाँ पे बहुत पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, एक बैंक डिपॉजिट की तरह है, ये स्टोर हाउस है। ठीक है, दैट मीट द डिमांड्स ऑफ द रैपिडली एक्सपैंडिंग इंडस्ट्रियल अर्बन इकोनॉमी। दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज दस मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी ये सब भाई साहब जितने भी फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, ये जनरली क्या होते हैं भाई साहब, प्रोटेक्टेड एरियाज हैं। फॉरेस्ट गार्ड होता है, ठीक है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में एक IFS सर्विस होता है, आप IAS का एग्जाम जब देते हैं तो इसमें IFS सर्विस होता है, दैट इज इंडियन फॉरेस्ट्री सर्विस। ठीक है, ओके, मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल एंड देयर इन लाइज द फर्टाइल ग्राउंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं भाई साहब। अलग अलग लोग फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से देखते हैं, कोई जैसे हम और आप देखेंगे, अच्छा ये तो हमारे लिए ऑक्सीजन स्टोर हाउस है। ठीक है, कोई देखेगा अरे यहाँ पे अगर हम ऐसा फल लगाएं तो, कोई देखेगा, तो अलग अलग लोग फॉरेस्ट को अलग अलग तरीके से लूटने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। द हिमालयन यू इन ट्रबल, अभी आपका ये देखो हिमालयन यू है। ठीक है, इट इज अ मेडिसिनल प्लांट फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश। तो ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसमें से काफी सारे मेडिसिन बनते हैं आयुर्वेदिक में। ठीक है, और इसीलिए ये इतना ज्यादा नोचा जाने लगा है कि ये लुप्त प्राय होने लगा है। ठीक है, लोग इसको निकाल कर इतना ज्यादा आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने लगे हैं। ठीक है, और लालची लालच में भाई साहब कि ये अभी लुप्त प्राय होने लगा। ठीक है, इट इज ऑलमोस्ट गोइंग एक्सटिंक्ट। ठीक है, अ केमिकल कंपाउंड कॉल्ड टैक्सोल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, नीडल्स, ट्विग्स एंड रूट्स ऑफ दिस ट्री। ठीक है, इट हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड टू ट्रीट सम कैंसर्स, कहीं कहीं पे इसको कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज होता है। ठीक है, द ड्रग इज नाउ द बिगेस्ट सेलिंग एंटी कैंसर ड्रग इन द वर्ल्ड। ठीक है, आज की तारीख में एंटी कैंसर ड्रग के लिए बिगेस्ट ड्रग है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स, ये आपका भाई साहब अभी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ठीक है, मेडिसिनल हर्ब है, टैक्सोल बोलते हैं हम इसको। ठीक है, नाउ द स्पीशीज इज अंडर ग्रेट थ्रेट ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो ऑब्वियसली भाई साहब ये स्पीशीज अभी लुप्त प्राय होता जा रहा है, सब लोग आ गए भाई साहब, क्योंकि कैंसर स्टिल रिमेन्स टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट किलर डिजीजेस। सो पीपल आर लुकिंग आउट फॉर ट्रीटमेंट्स एंड दिस इज अ नेचुरल ट्रीटमेंट अवेलेबल। ठीक है, नेचर से ही मिल रहा है इसको, तो ओवर एक्सपर्ट। इन द लास्ट वन डिकेड थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज हैव ड्राइड अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, ड्राई अप होता जा रहा है। ठीक है, ओके, द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू वराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, इन दिस मॉड्यूल वी शैल लर्न द रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड द डिक्लाइन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हैबिटेट क्या होता है, जैसे आपका घर होता है, आप अपने सुख सुविधा के अनुसार अपने घर में रहते हैं, वैसे ही एनिमल्स रहते हैं जंगल में। ठीक है, सो दैट फॉर्म्स देयर हैबिटेट। ठीक है, अ हैबिटेट इज एन इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल एरिया that is inhabited by a particular species of animal, plant
और अदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ओके, तो अभी ये इफ द फॉरेस्ट इज, इफ फॉरेस्ट इज डिस्ट्रॉयड इट अफेक्ट्स द वाइल्ड लाइफ, इफ वॉटर इज पॉल्यूटेड इट अफेक्ट्स द एक्वाटिक लाइफ। अगर फॉरेस्ट भाई साहब डिस्ट्रॉय हो रहा है तो ये किसको अफेक्ट करेगा, वाइल्ड लाइफ को अफेक्ट करेगा। इफ वॉटर इज पॉल्यूटेड देन इट अफेक्ट्स द एक्वाटिक लाइफ, ठीक है। तो ऑब्वियसली भाई साहब ये सारे हैबिटेट्स हैं, ठीक है। हंटिंग से तो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, अगर फॉरेस्ट में पोल्यूशन हो गया तो जो लोग उस फॉरेस्ट में रहते हैं उनके लिए तकलीफ हो जाएगी। अगर वाटर में पोल्यूशन बढ़ गया, जो लोग वाटर में रहते हैं, फिश हो गए, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, सो रहा है, एक्वाटिक प्लांट्स हो गए, देयर हैबिटेट विल आल्सो बी डिस्ट्रक्टेड, ठीक है। हंटिंग पोचिंग, हंटिंग क्या होता है और पोचिंग में डिफरेंस क्या है, हंटिंग और पोचिंग में डिफरेंस क्या है? जब आप अपने शौक पूरे करने के लिए किसी एनिमल को हंट करते हो, जैसे सलमान खान ने किया था भाई साहब, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं हंटिंग, ठीक है। मतलब ओहो इसको मारते हैं, ठीक है, तो मतलब ये शौक है, ठीक है, तो ये हंटिंग हो गया। पोचिंग मतलब क्या होता है? पोचिंग मतलब जैसे अगर किसी एलिफेंट को मारा जा रहा है उसके टस्क के लिए, ठीक है, या किसी शेर को मारा जा रहा है उसके दांत के लिए या उसके स्किन के लिए, या किसी डियर को मारा जा रहा है उसके स्किन के लिए, ठीक है, जिसको हम बहुत बड़े दाम में बेचेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं पोचिंग, दैट इज नोन एज पोचिंग, ठीक है, दैट इज नोन एज पोचिंग। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन से काफी नुकसान होता है, हंटिंग से भी, ऑब्वियसली पोचिंग से भी, ठीक है। पोचिंग हैज ट्रेडिशनली, ठीक है, जैसे राइनोसोर्स देखो, राइनोसोर को मार दिया गया है और उसका जो ये सींग है उसको काट दिया गया है, ठीक है। सो अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड पोचिंग, दिस इज वेरी वेरी ग्रूसम, ठीक है। पोचिंग हैज ट्रेडिशनली बीन डिफाइंड एज द इलीगल हंटिंग, किलिंग और कैप्चरिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। सो वाइल्ड एनिमल्स का इलीगल है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब आपने फॉरेस्ट को कुछ ज्यादा यूज कर लिया, जैसे अभी अभी आपने देखा कि एक हिमालयन ट्री से आप एंटी कैंसर ड्रग बनाते बनाते इतना ज्यादा उसको यूज कर चुके हैं कि उसका प्रोडक्शन ही भाई साहब, नेचर भी हार मान चुका है आपके पास, ठीक है, नेचर हैज ऑल्सो लॉस्ट इट, ठीक है। ओके, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये होता है आपका ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जब आपने बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आपने किसी फॉरेस्ट रिजर्व को यूज कर लिया हो। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है भाई साहब आपका, व्हाट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन? आपके एनवायरमेंट में जो पोल्यूशन फैल रहा है, ठीक है, इसके वजह से इसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल पोल्यूशन। पॉइजनिंग, काफी सारी पॉइजनिंग होती है, जैसे आर्सेनिक पॉइजनिंग एक चीज होती है, ठीक है, एनवायरमेंट में पॉइजन फैलता है, ठीक है। ओके, फिर फॉरेस्ट फायर, अभी ये जो है ये बड़ा डिस्प्यूटेड चीज है। देखिए गर्मी के मौसम में क्या होता है, आपका फॉरेस्ट जो है तो सूख जाता है, तो सूखे पत्ते हो जाते हैं, और जनरली सूखे पत्तों में अगर घिसते हैं तो उसमें फॉरेस्ट फायर पकड़ लेता है। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कॉमन है, ठीक है, यूएस में भी काफ़ी कॉमन है, फॉरेस्ट फायर्स होते रहते हैं क्योंकि उनका फॉरेस्ट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, फॉरेस्ट फायर्स आपके होते रहते हैं। और फॉरेस्ट फायर्स जब होते हैं तब मतलब हजारों किलोमीटर तक भाई साहब बड़ी आग फैली रहती है, इसको भाई साहब कोई फायर स्टेशन आकर बुझा नहीं सकता, इतने बड़े पैमाने पे आग को, ठीक है। फॉरेस्ट फायर कभी कभी डेलिब्रेटली किया जाता है, ठीक है, समझ लो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को क्लियर नहीं कर रही है, गवर्नमेंट परमिशन नहीं दे रही है, और लोगों को वहां पर बिल्डिंग बनाना है, फैक्ट्री डालना है, माचिस फेंक दो भाई साहब, पूरा फॉरेस्ट ही चल जाएगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा भाई साहब, वो फॉरेस्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, गवर्नमेंट झक मार के बोलेगी हाँ भाई ले ले जा, अब तो खत्म ही हो गया सब कुछ, ठीक है। सो ये कभी कभी डेलिब्रेटली किया जाता है। अमेजन में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर चल रहा है अभी, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर इज वन थिंग विच समटाइम्स इज डन डेलिब्रेटली एंड समटाइम्स इट हैपेंस नेचुरली एज वेल, ठीक है। तो इससे भी काफी बड़ा एरिया जो है फॉरेस्ट का चला जाता है। तो नेचुरल रीजन क्या है, व्हेनेवर वायलेंट विंड ब्लो ब्रांचेस ऑफ ट्रीज ब्रश अगेंस्ट ईच अदर, तो ये भाई साहब जो ट्रीज होते हैं इनके ब्रांचेस एक दूसरे से ऐसे घर्षण हो रहा है, ठीक है, सूखी पत्तियां हैं और उसमें आग पकड़ लेती है, ठीक है, सूखी पत्तियों के बहुत ज्यादा ऐसे मूवमेंट से देयर विल बी अ फायर। ड्यू टू द फ्रिक्शन प्रोड्यूस द ट्रीज कैच फायर एंड फाइनली इट लीड्स टू फॉरेस्ट फायर। आप भाई साहब हाथों को मलेंगे, देखो आपका टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, है ना, तो इसी तरह से अगर पत्ते एक दूसरे से घिस रहे हैं तो टेम्परेचर गर्म होगा, और वैसे ही वो सूखे पत्ते हैं तो फट से आग पकड़ लेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट फायर्स आर वन रीजन। ओके, causes of India's decline, other important causes of environmental destruction are unequal access, ठीक है, inequitable consumption of resources, unequal access, किसी किसी लोगों को काफी ज्यादा एक्सेस मिला हुआ है फॉरेस्ट में और किसी किसी लोगों को प्रोहिबिट किया गया है, ठीक है, ये अनइक्वल एक्सेस बोलते हैं। इनइक्विटेबल कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन कितना कंजम्पशन कर रहा है कोई हिसाब नहीं है,
डिफरेंशियल शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एनवायरमेंट वेलबींग। कोई बोलता है भाई साहब हाँ कहीं पे किसी गांव में काफी स्ट्रिक्ट है लोग और किसी गांव में भाई साहब एकदम खुला छोड़ दिया है फॉरेस्ट को, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इज ऑफन साइटेड एज द कॉज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का होना भी, भाई साहब जरा ठीक से बैठेंगे, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन का होना भी फॉरेस्ट डिग्रेडेशन का एक रीजन हो गया, ठीक है। ओके, एन एवरेज अमेरिकन कंज्यूम्स 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेस, ठीक है। मतलब एक अमेरिकन जो है वो जितना रिसोर्सेस कंज्यूम करना रहेगा उससे 40 गुना ज्यादा करता है। अभी ये क्या मतलब होता है, ठीक है। आप अपने घर में जाइए और एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, आजू बाजू जितनी चीजें हैं उनको गिनिए, लिस्ट बनाइए, आपको दिखेगा कि ऑलमोस्ट 80-90% चीज आपने लास्ट 6 महीने में यूज ही नहीं किया है, पड़ी है वो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं भाई साहब एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम खरीदते जाते हैं चीजों को, हमको कोई चीज अच्छी लगी हमने खरीद ली, हमने कोई चीज अच्छी लगी हाँ ये यूजफुल होगा, शायद कुछ दिन हमने उसको वापरा और वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है। ये हर घर की कहानी है, ठीक है। वी आर अ वेरी ओवर कंजम्पशन में हम आ गए। आज की तारीख में चीजें इतनी अवेलेबल हैं और इतनी इजीली अवेलेबल हैं कि विद इन द क्लिक ऑफ अ बटन दैट विल बी रीचिंग योर हाउस, यू डोंट हैव टू इवन वेंचर आउट, ठीक है। तो एवरेज अमेरिकन जो है अपने लाइफ में उसको जितना चाहिए उससे 40 गुना ज्यादा चीजों को खरीदता है, ठीक है। मोर रिसोर्सेस, 40 टाइम्स मोर रिसोर्सेस को वो खरीद रहा है, इतना उसको जरूरत भी नहीं है। और ये अमेरिका की कहानी नहीं है, अभी हमारी भी कहानी हो चुकी है, ठीक है। देन एन एवरेज सोमालियन, एक सोमालिया में जो रहता है इंसान, ऑब्वियसली उसके पास पैसा नहीं है तो उतना ज्यादा वो यूज नहीं कर रहा है, 40 गुना ज्यादा। तो डेवलप्ड कंट्रीज, हम अक्सर ये मानते हैं कि शायद अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व जा रहे हैं, लेकिन उल्टा है, ठीक है। डेवलप्ड कंट्रीज की वजह से आपके फॉरेस्ट रिजर्व कम होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एवरेज अमेरिकन है जिसके पास पैसा है वो अपने लाइफ में 40 गुना चीजों को ज्यादा यूज कर रहा है देन एन एवरेज सोमालियन जो एक गरीब कंट्री है, ठीक है। सो अक्सर हम देखेंगे कि आपका जो क्रीमी लेयर है, मतलब द लेयर ऑफ कंट्रीज विच आर रिच और रादर डेवलप आर द वंस विच आर एक्सप्लॉइटिंग नेचर, ठीक है। फॉर्मर शेयर्स मिनिमम रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर एनवायरमेंटल वेलबींग, ठीक है। इसको एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, हमको ये चीज मिल जानी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ये चीज हमको मिल जानी चाहिए देन एन एवरेज सोमालियन। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, आपको अगर कोई बिजनेस करना है ना तो हेल्थ और ब्यूटी केयर में कीजिए और उसको टैग करके अमेरिका में बिकवाइए, आप रातों रात मालामाल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे राजस्थान में एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको मुल्तानी मिट्टी बोलते हैं, कुछ नहीं है भाई साहब ये मुल्तानी मिट्टी, ठीक है, ये एक्चुअली रेत में मिलती है, ठीक है, राजस्थान में मिलता है ये मुल्तानी मिट्टी का। मतलब हम लोग ऐसा कभी कभी सोप बनाकर बेचते हैं, आपको राजस्थान में ऐसे किराने की दुकान में भी मिल जाएगी, ठीक है, सोप, मतलब ये लोकल प्रोड्यूस्ड सोप है ये भाई साहब। एक सोप आप अमेरिका में 1000 रुपये में बेच सकते हैं, 1000 रुपये मिल जाएंगे आपको एक सोप, ठीक है, क्योंकि वो लोग भाई साहब हर समय नया नया कुछ चीज ट्राई कर रहे हैं। ओवर कंज्यूम्ड एक कंट्री है, ठीक है, ऐसा मतलब उसका बहुत सारा इसके स्किन हीलिंग है इसमें काफ़ी सारा, और ये चीज़ आप यहाँ पर बेच सकते हैं। आज की तारीख में इतने सारे फैक्ट्रीज उस एरिया में आ गए जस्ट टू प्रोड्यूस सोप एंड सेल इट टू, क्योंकि आज आपका भाई साहब ग्लोबल विलेज है, आप अमेजन में भाई साहब यहाँ बैठे यहाँ का प्रोडक्ट ला सकते हैं, यहाँ बैठे यहाँ का, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भाई साहब एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो मिट्टी जो हमारे किसी काम की नहीं थी वहाँ पर भाई साहब वो सोने के भाव में बिक रही है, ठीक है, जस्ट बिकॉज इट इज़ एन ओवर कंजम्पशन। मतलब यहाँ पर इतना ज़्यादा ओवर कंजम्पशन होता है, दैट्स द डायनेमिक्स ऑफ अ ग्लोबल विलेज एज ऑफ नाउ, ठीक है। ओके, सो सिमिलरली द रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रॉब्ली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज। तो इंडिया में जो 5% लोग रिचेस्ट लोग हैं, रिचेस्ट 5% ऑफ इंडियन सोसाइटी प्रॉब्ली कॉज मोर इकोलॉजिकल डैमेज, ये ज्यादा इकोलॉजिकल डैमेज करते हैं बिकॉज ऑफ द अमाउंट दे कंज्यूम देन द प्योरेस्ट आपका 25%। जो एकदम गरीब स्तरीय लोग हैं जिनकी एवरेज इनकम बहुत ज्यादा कम है उनका उतना कंजम्पशन नहीं है, लेकिन ये रिचेस्ट 5% है इनका कंजम्पशन है। भाई साहब देख लो आपके सामने ही है, 1 महीने से शादी का कार्यक्रम चल रहा है, लोग आ रहे जा रहे, ठीक है, चल रहा है ना भाई साहब, बड़े बड़े फैमिलीज, बड़ी बड़ी बातें, ठीक है। ओके, सो मतलब आप देखिए एक छोटा सा सिंपल सा इवेंट उसको कैसे मैग्नेनिमसली प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। सो मेनी पीपल आर कमिंग एंड गोइंग, ठीक है, सो ये इतना बड़ा भाई साहब कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन आप देखिए किस लेवल पे चल रहा है,
what level the consumption is happening. Okay? The destruction of forest and wildlife is not just a biological issue. The biological loss is strongly correlated with the loss of cultural diversity. काफी सारा आपका कल्चर भी डाइवर्सिटी खत्म हो जाता है क्योंकि जो आपके फॉरेस्ट एरिया में लोग रहते हैं उनका भी वैसा चितर बितर हो जाता है क्योंकि उनका फॉरेस्ट ही खत्म हो रहा है तो उनका जो कल्चर है वो भी खत्म हो जाता है. ठीक है. ओके. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी सच लॉसेस हैव रिड्यूस्ड फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज. तो पहले जो ट्राइबल कम्युनिटीज होते थे या फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज होते थे अभी धीरे धीरे वो खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है. बहुत धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं. ठीक है. क्लियर है. बिकॉज दे डिरेक्टली डिपेंड ऑन वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ फॉर फूड ड्रिंक मेडिसिन कल्चर स्पिरिचुअलिटी. ठीक है. तो ऑब्वियसली फूड उनको फॉरेस्ट से मिलता है. काफी सारे ड्रिंक्स उनको मिलते हैं फॉरेस्ट से. ठीक है. काफी सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो आयुर्वेद में होते हैं कल्चर भी उनका फॉरेस्ट से रिलेटेड है. ठीक है. स्पिरिचुअलिटी मतलब आध्यात्म. कल्चर नहीं बोल सकते आध्यात्म. एक स्पिरिचुअलिटी का एग्जांपल दे सकते हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है. पेड़ की पूजा. ओके. और कुछ. उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल है. नाम सुना है आपने. ठीक है. जगन्नाथ टेम्पल जो जगन्नाथ की प्रतिमा है वो बेसिकली किससे बनती है. हाँ. नीम की लकड़ी से बनती है और ये नीम की लकड़ी एक्चुअली बहते हुए आती है उससे भाई साहब बनाया जाता है हर साल. ठीक है. सो ये भी तो आपका देखो एक फॉरेस्ट कल्चर ही है. स्पिरिचुअलिटी मतलब आपका अध्यात्म से जुड़ा हुआ है. ठीक है. ये जो फ्रेश लकड़ियां आती हैं इससे बनता है आपका जगन्नाथ की जो प्रतिमा है उससे बनती है. ठीक है. सो ये भी एक टाइप का स्पिरिचुअलिटी है. ओके. द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली. ओके. इससे आपका कल्चरल डाइवर्सिटी का लॉस होता है भाई साहब. ओके. सो बिकॉज दे डायरेक्टली डिपेंड ऑन सो ये सारी चीजों पर डिपेंडेंट है. इट इज इंपेरेटिव टू अडैप्ट टू साउंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज. बहुत जरूरी है ये. विद इन द पुअर वुमेन आर अफेक्टेड मोर देन मैन. ठीक है. इन मेनी सोसाइटीज वुमेन बेयर द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन ऑफ फ्यूल फॉडर वाटर एंड अदर बेसिक सब्सिस्टेंस नीड्स. ठीक है. तो ज्यादा करके आपके जो मतलब मेल मेंबर्स हैं दे गो आउट फॉर वर्क एंड वुमेन मेंबर्स इन द मीन टाइम मैनेज द डोमेस्टिक थिंग्स. और डोमेस्टिक थिंग्स को मेंटेन करने के लिए इनको भाई साहब दूर दराज इलाकों से सूखी लकड़ियों का इंतजाम करना पड़ता है. ठीक है. वगैरह वगैरह. एज दीज रिसोर्सेज आर डिप्लीटेड. धीरे धीरे भाई साहब क्या हो रहा है डिप्लीट हो रहे. दे आर गेटिंग डिप्लीटेड. द ड्रजडी ऑफ वुमेन इंक्रीजेस एंड समटाइम्स दे हैव टू वॉक फॉर मोर देन 10 किलोमीटर टू कलेक्ट दीज रिसोर्सेज. कभी कभी उनको भाई साहब 10-10 किलोमीटर तक एक भाई साहब थोड़ा सा वुड कलेक्शन के लिए जाना पड़ता है. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये रिसोर्सेज डिप्लीट होते जा रहे हैं. सो ऐसा नहीं है कि अगर आप रिसोर्सेज को ठीक से मैनेज नहीं करेंगे और ये डिप्लीट होंगे तो सिर्फ मतलब आपका एनिमल लाइफ या प्लांट लाइफ ही इम्पैक्ट होगा. आपका ह्यूमन लाइफ सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. ठीक है. सो दैट्स हाउ द ह्यूमन लाइफ इज इम्पैक्टेड. कंजर्वेशन इन द बैकग्राउंड ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री हैज बिकम एसेंशियल. बहुत एसेंशियल हो चुका है भाई साहब कंजर्वेशन आज की तारीख में. देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ. हमारे जब टेक्स्ट बुक्स होते थे हमारे टाइम पे मैंने ICSE से किया है स्टेट बोर्ड से भी कुछ लोगों ने किया है तो जो भी होता था उसमें शायद कहीं एक कोने में आपका बायोडाइवर्सिटी या कंजर्वेशन या इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का कुछ टॉपिक रहेगा शायद. ठीक है. मैं आज से इतने साल पहले की बात कर रहा हूँ. ठीक है. आज देखो आपकी सारी टेक्स्ट बुक्स में चाहे आप ज्योग्राफी देख लो चाहे साइंस देख लो हर बार आपको हैमर किया जा रहा है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में. आपको जागरूक किया जा रहा है. ठीक है. क्यों? क्योंकि अभी ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है. ठीक है. दिस हैज बिकम अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर अस और हमारे सस्टेनेंस के लिए ये एक थ्रेड बन चुका है. ठीक है. सो ऐसे अगर आप देखोगे धीरे 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 इनफैक्ट जितने भी आपके हॉलीवुड के जितने भी मूवी स्टार्स होते हैं उनको जनरली UNO में बुलाया जाता है टू गिव स्पीचेस ऑन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ताकि भाई साहब लोग उससे प्रभावित हो. कोई एक दूसरे साइंटिस्ट को लाकर बुलाएंगे तो शायद लोग ना सुने लेकिन इनके स्पीचेस को लोग घुमा घुमा के सुनेंगे क्योंकि दे आर सेलिब्रिटीज. ठीक है. तो इस तरह से भाई साहब एक कोशिश की जा रही है कि लोगों में जागरूकता फैले कंजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट के ऊपर. ठीक है. बिकॉज इफ द एनवायरमेंट इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट. ठीक है. लाइफ विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू सस्टेन. कंजर्वेशन प्रिजर्व द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स. ये सारी चीजों को भाई साहब प्रिजर्व करता है वाटर को एयर को सॉइल को. ठीक है.
इट प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज एंड ब्रीडिंग. तो भाई साहब बेटर ग्रोथ के लिए भी हमारा कंजर्वेशन बहुत जरूरी है. ठीक है, जेनेटिक डाइवर्सिटी बेसिकली क्या होती है, देखो सर्व्स एज अ वे फॉर पॉपुलेशंस टू अडैप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स. तो जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है आपके भाई साहब जेनेटिक डाइवर्सिटी आती रहती है. ठीक है, हम एक टाइम पे भाई साहब हमारे फर कोट्स बहुत मोटे हुआ करते थे हम जब नो बंदर टाइप के थे. तो अभी देखिए जेनेटिक डाइवर्सिटी हुई तो धीरे 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 हमारे अडेप्टेशन हुए एंड फाइनली द स्किन टेक्सचर दैट वी हैव टूडे इज ड्यू टू एन एवोल्यूशन दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट. ठीक है, सो दोज इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू सर्वाइव टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग. जहां जहां डाइवर्सिटी होगी द पॉपुलेशन विल कंटिन्यू फॉर फ्यू मोर जनरेशन. ठीक है, ओके, सो इन द 1960s एंड 1970s कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम. ठीक है, जिसके चलते इंडिया में बहुत सारी चीजें आई. ठीक है, सो द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972. काफी बार पूछा जा चुका है. ठीक है, विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स. तो सिर्फ एनिमल स्पीशीज को ही नहीं उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये लॉ लाया गया है. ठीक है, आप उनके हैबिटेट से छेड़खानी ना करें, उनसे तो छेड़खानी ना ही करें लेकिन उनके हैबिटेट से भी छेड़खानी ना करें. एंड ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज वाज आल्सो पब्लिश्ड. तो एक लिस्ट है और इस लिस्ट के तहत अगर किसी जानवर को जो उस लिस्ट में मेंशन है उसको आपने हंटिंग या पोचिंग में इस्तेमाल किया तो आप अरेस्ट हो सकते हैं, आप पे केस चलेगा. ठीक है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो बहुत सारे नेशनल पार्क्स आए, तुम लोग एक भी सवाल नहीं कर रहे हो, है ना, मैं बिठा के रखूंगा जब तक ये कंप्लीट करके नहीं जाओगे. बैठिए आप, आपका 4 बजे छुट्टी होगा, वही वेट कर रहे हैं ना आप. ये चैप्टर तो मेरी तरफ से हो गया है बट यू आर लीस्ट बॉदर टू डू इट. किया है आपने? आपने एक भी सवाल नहीं किया है, राइट? आप बैठेंगे 4 क्या 8 बजे तक बैठेंगे आप जब तक नहीं करेंगे? यू थिंक इट्स अ जोक गोइंग अराउंड हियर? हाँ, सेवरल प्रोजेक्ट्स वेर अनाउंस फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स. जैसे आपका टाइगर का एक प्रोजेक्ट आया था, एशियाटिक लायन. ठीक है, ये प्रोजेक्ट टाइगर था. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत हमारे थोड़े बहुत इंक्रीज हुए हैं. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन द फॉनल वेब. इन 1973 द अथॉरिटीज रियलाइज्ड दैट द टाइगर पॉपुलेशन हैज ड्विंडल्ड टू 1827. मतलब आप 1973 में देखिए सिर्फ 1800 टाइगर्स बचे थे हमारे पास, विच इज वेरी लो एज कंपेयर टू द प्रीवियस नंबर्स. ठीक है, फ्रॉम एन एस्टिमेटेड 55,000 एट द टर्न आउट ऑफ द सेंचुरी. मतलब 1900 जब स्टार्ट हुआ था तो एस्टिमेटेड टाइगर पॉपुलेशन वॉज अराउंड 55,000, जो 70 सालों में घट के कितना हो गया, 1800. ठीक है, तो इमेजिन द हार्म दैट वी हैव डन टू नेचर ऑन अ वेरी लार्ज स्केल. ठीक है, इफ देर वेर नो मेजर्स टेकन देन दिस वुड ऑल्सो गो टू जीरो इन नो टाइम. ठीक है, द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग. पोचिंग मतलब आपके टाइगर के स्किन के लिए, टाइगर के टीथ के लिए फॉर ट्रेड. ठीक है, श्रिंकिंग हैबिटेट, इनके हम हैबिटेट को कम करते जा रहे हैं. डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस, डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस मतलब इनका जो प्रे है उसको भी कम करते जा रहे हैं. स्पीशीज ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सेट्रा, ये सारे भाई साहब थ्रेट्स हैं टाइगर के लिए. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन. तो आपको ये दिख रहा टाइगर स्किन है, इसका भाई साहब बहुत बड़ा धंधा चल रहा है. ठीक है, द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिंस स्पेशली इन द एशियन कंट्रीज. तो ये भाई साहब एक रीजन है जिसके वजह से प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया. लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. सिंस इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइप. एक्चुअली में सिर्फ इंडिया और नेपाल में ही टाइगर पॉपुलेशन का एडिक्वेट हैबिटेट अवेलेबल है. ठीक है, टू थर्ड्स ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में 2/3 का जो सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन है वो इन दोनों कंट्रीज में है. ठीक है, और यहाँ पे ही हैबिटेट है इसके लिए. दीज टू नेशंस बिकम प्राइम टारगेट्स फॉर पोचिंग एंड इलीगल ट्रेडिंग. इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा पोचिंग है. ठीक है, क्योंकि सबको मालूम है यहाँ पे टाइगर मिलता है जो दूसरे कंट्रीज में नहीं मिलता है. टाइगर का जो स्ट्राइप वाला स्किन है वो काफी ज्यादा फेमस है. ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा? लायन जो है वो उसका स्किन एकदम से ऐसे स्ट्राइप्स नहीं होते हैं इसलिए उसका स्किन ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन टाइगर का स्किन बहुत ज्यादा फेमस है.
और इंडिया और नेपाल में 2/3 ऑफ टाइगर पॉपुलेशन है। ये पोचर्स को या इंटरनेशनल हंटर्स को मालूम है एंड दैट्स द रीजन दे हैव बीन डूइंग इट फ्रीली फॉर मेनी इयर्स एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर द डिक्लाइन। प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, वाज लॉन्च्ड इन 1973। ठीक है, इनिशियली इट शोज सक्सेस एज द टाइगर पॉपुलेशन वेंट अप टू 4002। तो भाई साहब पहले 1973 से भाई साहब जब 1800 के हम हो गए थे, 1802 से हम कहां तक गए, 4000 तक गए, तो अच्छा इंक्लाइन हुआ। एंड 4034 इन 1989 फटाफट भाई साहब बढ़ने लगा टाइगर के। अभी 2000 लास्ट मैंने सुना था, अभी देखते हैं। ठीक है, बट फिर और चालू हुआ, बट इन 1993 द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर अगेन ड्रॉप टू 3600। ठीक है, फिर से ड्रॉप हुआ भाई साहब। ठीक है, सो दिस इज कंटिन्यूसली, देर आर 27 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया कवरिंग एन एरिया ऑफ 37,761 स्क्वायर किलोमीटर। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एन एफर्ट टू सर्व एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, बट विद एन इक्वल इंपॉर्टेंस एज अ मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड। तो ये एक, जैसे देखिए 55,000 टाइगर स्पीशीज तो अभी नहीं हो सकते, 55,000 टाइगर अगर हो गए तो हमारे लाइफ को भी थोड़ा सा खतरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम हम 10-15,000 तो अफोर्ड कर ही सकते हैं आराम से। ठीक है, उस नंबर तक तो हम जा ही सकते हैं और ये बहुत जरूरी है जाना। ठीक है, आपके पूरे इकोसिस्टम से एक जानवर अगर लुप्तप्राय हो जाता है उसका असर सब पे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अचानक भयानक में फ्रॉग्स को मार दिया जाए, सारे फ्रॉग्स मर जाएं, तो क्या हो जाएगा, इंसेक्ट्स इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो उसके मारने के लिए प्लस आप वो सब स्प्रे वगैरह करेंगे जो आपके हेल्थ को अफेक्ट करेगा। ठीक है, आपके अगर सारे क्या कहते हैं, सांपों को मार दिया जाए, ठीक है, जैसे अगर अभी कहीं पे सांप दिखता है ना, तो आप सर्प मित्र को कॉल करते हैं, मैंने बहुत बार किया है। ठीक है, तो इस सर्प मित्र को जब आप कॉल करते हैं तो लोग आते हैं, बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, उन लोग ट्रेंड होते हैं, उसको पकड़ के बैग में डालकर जंगल में छोड़ के आते हैं, ये उनका ट्रेनिंग है भाई साहब। ठीक है, दे डू इट वेरी एफिशिएंटली। व्हाई आर दे नॉट किलिंग इट, क्योंकि भाई साहब अगर आपके सारे सांप मर गए तो भी पूरा इकोलॉजिकल इंबैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, मेढक इतने ज्यादा भर जाएंगे कि आपके घर के अंदर तक चले आएंगे। ठीक है, सो एक कोई स्पीशी गायब होती है तो पूरा जो आपका फ्लोरा या फौना है वो सारा का सारा डिस्टर्ब होता है। ठीक है, ओके, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, बहुत फेमस है, टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, सुंदरबंस नेशनल पार्क, सबसे बड़ा भाई साहब आपका सुंदरबन का नेशनल पार्क है। ठीक है, यहाँ पे जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो पाया जाता है। ठीक है, RBT, बेसिकली रॉयल बंगाल टाइगर हमारे इंडिया का नेशनल एनिमल है, काफ़ी बड़ा होता है ये साइज में, और इसका एक स्पेशल फीचर ये है कि ये पानी में आराम से रह सकता है। ठीक है, पानी में तैरता रहता है ये, क्योंकि वो स्वैम्पी एरिया है, ये जो जहाँ पे मिलता है ये बहुत खाड़ी एरिया है, और वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको अच्छा स्विमिंग आना चाहिए, स्विमिंग भी आना चाहिए और आप अच्छे से पानी में तैरते हुए रहने चाहिए। सो इट हैज़ गॉट अ स्पेशल फीचर ऑफ बीइंग इन वाटर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि ये सुंदरबन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा स्वैम्पी एरिया है, लोग जैसे मधुमक्खी है ना, मधुमक्खी से जो आपका ज़्यादा करके जो हनी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। अभी ये खाड़ी एरिया है, समझ लो ये पानी है पूरा भाई साहब। ठीक है, और यहाँ पे आपके मधुमक्खी के छत्ते होते हैं। ठीक है, ऐसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, अभी बोट लेकर लोग निकल पड़ते हैं। ठीक है, इन मधुमक्खी के छत्तों से मधुमक्खी निकाल अपना शहद निकालने के लिए। ठीक है, और टाइगर भाई साहब रहता ही है यहाँ पे, कभी इन्होंने टाइगर पे अटैक कर दिया या इन्होंने टाइगर ने इन पे अटैक कर दिया, इससे काफ़ी सारे टाइगर्स की हताहत हुई है, काफ़ी सारे टाइगर्स इससे मारे गए। ठीक है, सो ये एक चला आ रहा है बहुत दिनों से। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, ये भी आपका बहुत फेमस है। सरीक्षा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला, ये सारे आपके टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, जहाँ पे टाइगर का संरक्षण होता है। मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर कंसर्न्ड। ठीक है, ओके, सो रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंसर्न्ड। रिजर्व फॉरेस्ट मतलब कैसा हो जाता है, देखो इस पूरे फॉरेस्ट को ऐसा समझ लो एक फॉरेस्ट एरिया है और इसको घेर दिया गया भाई साहब, इसमें वाइल्ड लाइफ जो है आराम से भाई साहब ऐसे विचरण कर सकते हैं जैसे वो फॉरेस्ट में ही है।
एंट्री इनटू दिस फॉरेस्ट इज प्रोहिबिटेड इफ फाउंड देन यू वुड बी फाइन ठीक है. अभी जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, क्या इसमें टूरिस्ट जाते हैं? तो हाँ जाते हैं ठीक है. बाकायदा उनको वैसा टाइगर सफारी कराई जाती है, तो ये सब परमिटेड है. लेकिन आप वहाँ पे हंटिंग करें, कोचिंग करें या अकेले घूमें तो वैसा आप गिरफ्तार हो जाएंगे ठीक है. अगर आप उस एरिया में अकेले जा रहे हैं तो यू कैन बी अरेस्टेड ठीक है. हाँ अगर आप किसी सफारी के साथ हैं या किसी मतलब किसी प्रोजेक्ट के साथ हैं तो ओके ठीक है. ओके सो ये आपके पैसा प्रिजर्व होते हैं ठीक है. ओके प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ठीक है. एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1/3 एरिया आपका वैसा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिस फॉरेस्ट लैंड वर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेनी एनी फर्दर डिप्लीशन. ये फॉरेस्ट लैंड है ये दूसरे डिप्लीशन से पूरा पूरा प्रोटेक्टेड है ठीक है. इसमें अगर आप घुसते हैं तो आप वैसा अनऑथराइज आपका अरेस्ट हो जाएगा. Reserved and protected forests are also referred to as permanent forests. ठीक है, ये आपके permanent होते हैं. Maintained for the purpose of producing timber and other forest produce and for protective reasons. ठीक है, unclassified forest किसको बोलते हैं? ये पूरा forest हमने declare कर दिया इसके पहले जो हमने पढ़ा. अभी हम unclassified forest की बात कर रहे हैं. What are unclassified? These are other forests and wastelands हैं ये. ठीक है, मतलब यहाँ पे बंजर जमीन है. ठीक है, ये अलग category की जमीन है. ठीक है. Belonging to both government and private individuals and communities. Ownership कुछ की भी हो सकती है. Madhya Pradesh has the largest under permanent forest. ठीक है. 75% total area जो India का forest area है वो Madhya Pradesh में. ठीक है. Okay. The states that have large percentages of reserved forest of its total forest. ठीक है. Maharashtra, Maharashtra में भी काफी सारा है. Uttaranchal, Andhra Pradesh, Tamil Nadu. ठीक है. इन सब जगहों पे वैसा जम्मू एंड कश्मीर ठीक है. वेस्ट बंगाल ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात हैव वेरी हाई परसेंटेज ऑफ देयर फॉरेस्ट एज अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज. ये जो है वो उसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन लोकल कम्युनिटीज इन फॉरेस्ट को मैनेज करती है क्योंकि इन फॉरेस्ट से इनको भी फायदा है ठीक है. गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करता है. ये लोकल कम्युनिटीज जो इनके ओनर्स हैं दे आर एक्चुअली द वंस हु मैनेज इट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में काफी ज्यादा नहीं ठीक है. Conservation strategies are not new in our country. We often ignore that in India, forests are also home to some of the traditional communities. ठीक है, बहुत traditional communities के ये रह चुके हैं, मतलब बहुत traditional communities हैं जो forest पे आश्रित हैं. In some areas of India, local communities are struggling to conserve. Local communities are conserve these habitats along with government officials, recognizing that only this will secure their long-term livelihood. स्ट्रगल करने वैसा फॉरेस्ट को कंजर्व करने के ठीक है. देयर इज अ कांस्टेंट स्ट्रगल दैट इज गोइंग ऑन फॉर दीस कम्युनिटीज टू प्रिजर्व देयर फॉरेस्ट ठीक है. इन सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान विलेजर्स हैव फॉट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ठीक है. यहां पे विलेजर्स ने फाइट किया है अगेंस्ट माइनिंग. द इनहैबिटेंट्स ऑफ 5 विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज अ भैरव देवी दाखव strongly ठीक है. They declared that their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encroachment. ये खुद ही कर रहे हैं इसको ठीक है. Without any government intervention in these areas, the forest life is getting preserved ठीक है. Nature worship is an age-old tribal belief. It is based on the understanding that all creations of nature have to be protected ठीक है. Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form. Called the sacred groups, the forest of gods and goddesses. Okay, यहाँ पर ऐसा gods and goddesses. These patches of forest or parts of large forest have been left untouched by the local people, and any interference with them is banned. तो ऐसे बहुत सारे patches हैं forest के जिनको हमने touch नहीं किया, लेकिन इसके लिए localites responsible हैं. They have managed it very well. Okay. Certain societies revere a particular tree. आपने देखा रहेगा पेड़ों की पूजा करते हैं लोग ठीक है. जो भी रीजन हो within they have preserved from time immemorial. बहुत पहले से वैसा भी ये करते आ रहे हैं. The Mundras and the Santal Nagpur region ठीक है. They also are primarily independent primarily dependent on ये सब महुआ ट्री या कदम्बा ट्री इनकी बहुत जोरों शोरों से पूजा की जाती है ठीक है. Worship महुआ and कदम्बा trees. To many of us, people and banyan trees are considered as sacred. People tree जो होता है वो sacred होता है काफी believe ठीक है.
और बैनियन ट्रीज भी ऑब्वियसली, ठीक है, बर्गर का पेड़ जो होता है, सो लोग इस पे धागे वगैरह बांधते रहते हैं. इंडियन सोसाइटी कंप्राइज ऑफ सेवरल कल्चर्स ईच विद इट्स ओन सेट ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंजर्विंग नेचर एंड इट्स क्रिएशंस. Sacred qualities are often ascribed to springs, mountain peaks, plants and animals which are closely protected. So, our religion juda hua hai. You will find troops of packers and gunboats around many temples. They are fed daily. आप जाने देखे देखोगे temples के आजू बाजू बंदरों की तादाद ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे लोग जो आते हैं उनको हनुमान के वंशज मानते हैं और इसीलिए उनको खिलाते हैं, ठीक है, तो इसीलिए वो ज्यादा इर्द गिर्द टेम्पल्स के रहेंगे, ठीक है. यू जनरली फाइंड दैट The famous Chipko movement in Himalayas has been successfully arrested deforestation. ये Chipko movement में क्या हुआ था? एक बार Himalayas में बहुत जोरों शोर से deforestation चल रहा था. तो वहाँ के जितने tribal public थे, वो सब ऐसे पेड़ों के आजू-बाजू ऐसे खड़े हो गए. काटो भी भाई साहब, ठीक है? तो लोग भाई साहब वहाँ से चले आए, ठीक है? Because these tribal people didn't support it at all. The Chipko movement actually पेड़ों से चिपक जाना, इसका मतलब है Chipko, ठीक है? The Chipko movement is a movement that practices the Gandhian methods of satyagraha and non-violent resistance to the act of hugging trees to protect them from being fed. It has also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. Attempts to revive the traditional conservation methods or developing new methods of ecological farming are now widespread. Farmers and citizen groups like Beech Bachao Andolan in Tehri and Navadnya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. So, capable of working successfully. भाई साहब आपके जितने भी chemicals जो हम बहुत ज़्यादा use करते थे पहले, अभी उनको बंद कर दिया गया है, ठीक है? So that is how the entire environment conservation is happening. For JFM involves local government, local committees in the management and restoration of degraded forests. इसको हम joint forest management बोलते हैं. इसके लिए forest officials और local जो लोग हैं, उनका एक तालमेल रहता है, ठीक है? So that the forest could be conserved. Odisha passed the first resolution for joint forest management, ठीक है? JFM depends on the formation of local village institutions and undertake protection activities. इसको इनको सबसे ज़्यादा forest के बारे में मालूम होता है. इनको वैसे गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है, ठीक है? It is mostly on degraded forest land managed by the forest department, ठीक है? In return, the members are given intermediary benefits like non-timber forest producers, ठीक है? आपके non-timber forest producers and share in the timber harvested by successful protection. तो कुछ इनको गवर्नमेंट बेनिफिट देती है. इस आंदोलन से जुड़े रहने के लिए Government also provides some benefits to them. The tree is a peculiar organism of unlimited kindness and benevolence and makes no demand for its sustenance and extends generously the products of its life activity. It affords protection to all beings, offering shade even to the axemen who destroy it. ये मतलब जो उसको काटने आएगा उसको भी वो भाई साहब छाव देता है, ठीक है? So that was about the chapter, people. Thank you so much for your valuable time.